हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं किस कार के बारे में बात करने वाला हूं, ये तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही चुका होगा, बट फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन थार लवर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिनको थार बहुत ज्यादा पसंद है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू जनरेशन थार की मॉडिफाइड वर्जन दिखाने वाला हूं, जो कि देखने में काफी ज्यादा सेक्सी है, काफी ज्यादा हॉट है। और आप में से जो लोग भी जेन्युइन थार लवर है, ये वीडियो तो उन लोगों को देखना बनता है बॉस। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आ पाऊं और आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कौन सी थार में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, ये बताने से पहले थार के कुछ सिनेमैटिक्स तो होना चाहिए ना। थार का वीडियो चल रहा हो और सिनेमैटिक्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली हमारे थार लवर्स के लिए। तो आप लोग पहले सिनेमैटिक एंजॉय करो, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो आप लोग पहली थार देख रहे हैं, इसको मॉडिफाई किया है कार क्राफ्ट स्टूडियो ने। जी हाँ दोस्तों, कार क्राफ्ट स्टूडियो ने इस थार को मॉडिफाई किया है, और इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुआ है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, आप भी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें कस्टम सीट्स लगाए गए हैं, जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, इसमें फुली रैप्ड स्टीयरिंग कवर चढ़ाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफी अच्छी लुक उभर के आ रही है। इसमें आपको कस्टमाइज्ड हेडलाइट देखने के लिए मिल रहे होंगे, और इस हेडलाइट में ही इंडिकेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप देख ही सकते हैं, जो कि काफी सेक्सी लुक दे रहा है। इसका जो फ्रंट ग्रिल है दोस्तों, इस ग्रिल को देख के आपको एक कार का नाम याद आ रहा होगा, अगर आपको जीप पसंद है तो। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्रिल है, ये इंस्पायर्ड है जीप रैंगलर से, और रैंगलर स्टाइल बम्पर भी दिए गए हैं सामने की तरफ, आप देख ही सकते हैं। तो बम्पर पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है, और काफी ज्यादा मास लुक उभर के आ रहा है। बम्पर में आपको एलईडी प्रोजेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और इस कार के बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाली थार आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो आप दूसरी वाली थार देख रहे हैं, इसको मॉडिफाई किया है 91 व्हील्स ने। जी हाँ दोस्तों, इस थार में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, आप जैसे कि पहले देख सकते हैं, इसके बम्पर और इसका फ्रंट ग्रिल जो कि टोटली चेंज कर दिए गए हैं, और इसका भी हेडलाइट कस्टमाइज्ड है। फ्रंट ग्रिल में आपको एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर्स टोटली चेंज है, और इसके एलॉय को फुल्ली ब्लैक मैट फिनिश दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये कार रेड एंड ब्लैक में खतरनाक दिख रही है। और ये वाली जो थार है, इसको मॉडिफाई किया है विमरा 4x4, और इस वाले थार में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, जो कि काफी हैवी है। पहले तो हम बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल को लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट ग्रिल को टोटली मैट फिनिश दिया गया है, और जो बम्पर है ये टोटली नया है, एंग्री बर्ड डिजाइन का है, और इसका जो बम्पर है, इसके ऊपर ही दो फॉग लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हैवी मेटल इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टफ लुक देने के लिए। और इस कार को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कार को लेके आप पहाड़ी पे और कहीं पे भी जाके कैंपिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इस वाला थार अगर आपको पसंद आया तो इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है ना दोस्त, तो लाइक कर दो यार। और ये वाला जो थार देख रहे हैं, इसको डिजाइन किया है ऑटो क्राफ्ट इंडिया ने। जी हाँ दोस्तों, ये कार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लुक के साथ आता है, और इसका जो फ्रंट ग्रिल है और फ्रंट का जो लुक है टोटली चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका जो फ्रंट ग्रिल है, इसका जो हेडलाइट है, देन इसका जो बम्पर है, टोटली चेंज्ड है, और इसको एक एंग्री लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। इंटीरियर में कम्प्लीटली रेड वाइन का कलर इस्तेमाल किया गया है। आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, और पीछे के साइड बैकलाइट के नीचे बम्पर में भी आपको एलईडी बैकलाइट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है पीछे से। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, इसमें वुडन फिनिश दिया गया है, जो कि काफी सही लग रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले थार की तरफ, और ये वाला जो थार देख रहे हैं, इसका कलर टोटली चेंज कर दिया गया है, इसको व्हाइट एंड ब्लैक कलर में फिनिश दिया गया है, जो कि काफी सही लग रही है देखने के लिए। फ्रंट बम्पर वगैरह सेम है, हेडलाइट्स चेंज कर दिए गए हैं, जो कि सही लग रहा है अगेन। और ये कन्वर्टेबल थार है, तो इसको मैन्युअली आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
एलॉय आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिल जाएंगे। बम्पर में आपको एलईडी प्रोजेक्टर लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी लुक देती है। और बॉडी में थोड़े से ग्राफिक्स भी यूज किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब जो आप थार देख रहे हैं, इसको डिजाइन किया है द रैप टीम ने। जी हाँ दोस्तों, इस वाले थार को भी व्हाइट कलर में कन्वर्ट किया गया है। फ्रंट साइड में देख सकते हैं कि एंग्री बर्ड का लुक दिया गया है, और इसका जो बम्पर है ये सेम है, और उसको भी व्हाइट कर दिया गया है, जो कि काफी सही लग रही है देखने के लिए। और इसके जो एलॉय है वो चेंज कर दिए गए हैं, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। हेडलाइट भी चेंज्ड है, और आप इस वाले थार की बिफोर और आफ्टर फिनिश देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थार की तरफ। तो ये जो आप थार देख रहे हैं, ये टोटली मैट ब्लैक में फिनिश दिया गया है। और इस वाले थार का भी फ्रंट में जो डिजाइन है, ये टोटली चेंज कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, एंग्री बर्ड का लुक उभर के आ रहा है, और इसका जो बम्पर है ये चेंज्ड है, फ्रंट ग्रिल है, देन हेडलाइट का जो टोटल डिजाइन है, ये पूरा सा सामने से पूरा इसका लुक चेंज कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा सही लग रही है। मुझे स्पेशली ये वाला कलर बहुत ज्यादा पसंद है। और आप में से किन किन लोगों को ये वाला कलर स्पेशली पसंद है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इस वाले थार की इंटीरियर देखो गाइस, मतलब सही में खतरनाक बनाया है। एंड अभी जो आप थार देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसका कलर ही इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी इसे एक झटके में पसंद कर लेगा। और मेरे पास अगर थार होता तो डेफिनेटली इस कलर में मैं कन्वर्ट करा ही लेता। इसके फ्रंट साइड में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ओनली इसका जो बम्पर है वो चेंज कर दिया गया है, एंग्री बर्ड का बम्पर दिया गया है। देन इसके बम्पर में ही आपको एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसका जो हेडलाइट है वो चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपने पहले जो थार मैंने दिखा है उसमें भी सेम ऐसे ही हेडलाइट्स थे, जो कि काफी ज्यादा सही लुक के साथ आता है। और सबसे अच्छी बात इस वाले थार की, ये जो कलर है, सही में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और आप अगर इस कलर का मॉडिफिकेशन करवाते हैं और रोड में इस वाले थार को लेके जाते हैं, तो लोगों के जो रिएक्शंस है भाई, वो खतरनाक मिलेंगे, मुड़ मुड़ के देखेंगे आपको, ये तो पक्की बात है। अभी फिर से एक व्हाइट थार आपके सामने आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसको मॉडिफाई किया है गड्डीवाडी.com जो वेबसाइट है, उन्होंने इस कार को मॉडिफाई करवाया है, और काफी ज्यादा सही लुक के साथ आ रहा है ये कार, देख ही सकते हैं आप वीडियो में। सामने हेडलाइट्स टोटली चेंज्ड है, देन फ्रंट ग्रिल सेम है, इसका जो फ्रंट बम्पर है वो चेंज्ड है, और इसमें एलईडी प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। एलॉय टोटली चेंज्ड है, और गाड़ी टोटली व्हाइट कलर में ही आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा रोड प्रेजेंस आपको देगा। इंटीरियर का जो कलर है, ये व्हाइट कलर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है, और ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लासी फील कराएगा। और अभी जो आप आखिरी में ये थार देख रहे हैं, इसका जो कलर है ये ओनली चेंज हुआ है, और ये काफी ज्यादा यूनिक लगा मुझे ये वाला कलर स्पेशली। थोड़ा सा वायलेट टच देने की कोशिश की गई है, और ये टोटली मैट फिनिश में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये जो मॉडिफिकेशन है, ये हमारे एक यूट्यूबर भाई ही इसको मॉडिफाई किए हैं और इस कलर में कन्वर्ट कर दिए इसको, और जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है, और रोड में काफी अच्छा रोड प्रेजेंस भी देगा आपको। और अभी तक जो भी थार आपने देखा है, उसमें से ये वाला जो कलर है, ये टोटली यूनिक है, जो मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। इस वीडियो में मैंने जितने भी मॉडिफाइड थार्स दिखाए हैं, आप लोगों को उनमें से कौन सी थार सबसे अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जिसका कमेंट अच्छा होगा, मैं उसका कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो यार।